इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो पहले तो अपने को साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रेटेड स्पीशी को आइडेंटिफाई करना है. एन टू गैशियस प्लस थ्री एच टू गैशियस लाइक दिस, और एक है एन टू एच फोर गैशियस, एन टू गैशियस प्लस टू एच टू गैशियस इन अ वी लीटर कंटेनर टोटल एक्स मोल एट इक्विलिब्रियम. फिर दूसरे में कहा गया है इन वी लीटर अदर कंटेनर टोटल वाई मोल एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रेटेड देखें तो सेम अगर ज्योमेट्री में करें तो ये ऐसे है और ये हाइड्रोजन स्पीशी भी है ना, उसको भी अपन ले सकते हैं. अभी कह रहे हैं बोथ आर टेकन इन द सेम कंटेनर वी लीटर देन एट न्यू इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स विल बी. तो ऑब्वियसली ली चैटेल ये प्रिंसिपल लगेगा, प्रोडक्ट साइड में ही साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम हो रहे हैं तो ये बैकवर्ड जाएंगे तो x प्लस वाई से तो कम होगा, तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो आंसर रहेगा. और एक बात गौर करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपन जैसे ऐसे लिख लेते हैं x इधर y, इसको x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, वो उनके एडजस्टमेंट के बाद वो जो डेटा होता है वो उनका ली चैटेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद वाला डेटा उस तरह से होता है, अदरवाइज तो डायरेक्टली फ्लैट टोटल तो नहीं है. पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रखने के लिए ली चैटेल प्रिंसिपल लगेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो इस हिसाब से ये एक्स प्लस वाई से लेस है.